जिनके धर्म ने तोड़ दिया अधर्म का अहंकार। ये कहानी है रामायण की। तो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं आदि पुरुष के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, जो कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, जो इस साल की टॉप ओपनिंग लेने वाली एक बड़ी फिल्म बनने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चले कि ओम रावत के डायरेक्शन में बनने वाली आदि पुरुष, जिसके लीड रोल में आपको सुपरस्टार प्रभास, कृति सेनन, सैफ अली खान और कई सारे बेहतरीन एक्टर इस फिल्म में आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों, इस फिल्म को 16 जून को हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ सभी भाषाओं में रिलीज की जाएगी और इस फिल्म के एडवांस को शुरू हुए आज लगभग 3 दिन कंप्लीट हो चुके हैं और इस फिल्म ने कई सारे रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। इस फिल्म के 3 दिनों का जो एडवांस बुकिंग कलेक्शन है वह RRR जैसे बड़ी मूवी के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए नजर आ रही है। दोस्तों, इस फिल्म ने दिल्ली में RRR के 45 लाख के एडवांस को लगभग 3 ही दिनों में तोड़ दिया है। इस फिल्म के तेलुगु, तमिल, मलयालम के जो एडवांस है वह पूरी तरह से ओपन नहीं हो पाई है। वही दोस्तों, इस फिल्म का हिंदी कलेक्शन का जो एडवांस है वही 9 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुकी है। वही दोस्तों, इस फिल्म के टोटल एडवांस बुकिंग कलेक्शन की बात की जाए तो लगभग हिंदी से 9 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। तेलुगु में जितने एडवांस शुरू हुए हैं उन सभी से इस फिल्म ने अभी तक लगभग 5 करोड़ के आंकड़े को पार कर लिया है। वही तमिल, मलयालम, कन्नड़ इन भाषाओं को मिलाकर यह फिल्म लगभग 1 करोड़ के आंकड़े को ही पार कर पाई है। ऐसे में दोस्तों, यह लगभग 15 करोड़ के एडवांस तो सिर्फ इंडिया में ही ले लिया है और 7 करोड़ की एडवांस इस फिल्म ने ओवरसीज से ले लिया है, जिसे इसका टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन लगभग 22 करोड़ का सिर्फ एडवांस में ही अभी तक हो चुका है। बताते चले कि जिस स्पीड से इस फिल्म का ऑडियंस में बस दिख रहा है, यह फिल्म लगभग अपने पहले दिन 100 करोड़ रुपए की ओपनिंग तो सिर्फ इंडिया से ही लेने वाली है और दुनिया भर से लगभग 135 से 140 करोड़ की ओपनिंग ले सकती है। आपको क्या लगता है दोस्तों कि यह फिल्म कितने करोड़ की ओपनिंग ले सकती है? हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और बॉलीवुड साउथ से जुड़ी सभी बड़ी अपडेट के लिए आपके अपने चैनल फैक्ट एंड रिव्यू को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।